हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ही आनंद एंड यू आर वाचिंग द सीरीज वोकैबुलरी विद मनेमोनिक्स इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। आज का हमारा पहला वर्ड होगा डिस्पैरेज। डिस्पैरेज गाइस, डिस्पैरेज वर्ड साउंड्स लाइक डिस्करेज, एंड इफ यू आर डिस्करेजिंग समवन तो आप उसको कैसे डिस्करेज करेंगे पता है? आप उसके बारे में नेगेटिव ओपिनियन देंगे और उसको डिस्करेज कर देंगे। उसके बारे में क्या करेंगे, ऐसा एक्सप्रेस करेंगे कि वो बहुत नेगेटिव है। यू एक्सप्रेस नेगेटिव ओपिनियन, और टू टॉक अबाउट समबडी क्रिटिकली, आप उसके बारे में बहुत क्रिटिकली कुछ कमेंट करेंगे, कुछ बोलेंगे और उसको क्या कर देंगे, डिस्करेज कर देंगे। मीन्स उसको क्या कर देंगे, डिस्पैरेज कर देंगे। टू एक्सप्रेस नेगेटिव ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन अबाउट समवन। ठीक है दोस्तों, आज का सेकंड नंबर का हमारा वर्ड होने वाला है बिलिटल। बिलिटल तो दोस्तों, बिलिटल का मतलब होता है टू मेक अ पर्सन सीम लेस इंपॉर्टेंट। आप ऐसा किसी व्यक्ति को आप ऐसा शो कर देंगे कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो बहुत कम इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। तो बिलिटिल को आप ऐसे रिलेट करिए कि आप बहुत अमीर आदमी है और आपके सामने गरीब आदमी आ गया और वो आपसे कुछ बात करना चाह रहा था, तो आपने उसको ऐसे बोला, छोटे आदमी हो छोटे की तरह रहो, मुझसे बात मत करो। छोटे आदमी हो छोटे की तरह रहो, मुझसे बात मत करो। हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी। सो आपने उसे पता है क्या बोला, यू आर लिटल सो बी लिटल। ऐसे याद रखिए, यू आर लिटल तो बी लिटल, छोटे हो छोटे की तरह ही रहो। मतलब आप क्या कर रहे हैं, टू मेक अ पर्सन सीम लेस इंपॉर्टेंट। आप उस पर्सन को ऐसा एहसास जताना चाह रहे हैं कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो बोल भी नहीं सकता उसके सामने। ऐसे याद रखेंगे इस वर्ड को। नंबर थर्ड, द वर्ड इज डिसमे। डिसमे एंड डिसमे साउंड्स लाइक डिसमे। तो डिसमे, और अक्सर आपने सुना होगा दिस मे बी इम्पॉसिबल, या फिर दिस मे नॉट वर्क। मतलब कोई काम है वो नहीं होने वाला है, दिस मे नॉट वर्क। और आप ऐसा बोल के क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा सैड हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो दिस मे नॉट वर्क, दिस मे नॉट वर्क, और दिस मे डिसमे। तो डिसमे का मतलब हो जाएगा फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। आज का हमारा फोर्थ वर्ड होगा इनएक्सप्लिकेबल। एंड इनएक्सप्लिकेबल आप इजीली याद रख सकते हैं, एक्सप्लेनेबल। तो कोई चीज अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो हो जाएगी एक्सप्लिकेबल, अगर आप किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो वो हो जाएगी इनएक्सप्लिकेबल। तो यहाँ पे इन नेगेटिव सेंस के लिए हमने यहाँ पे लगाया है, तो आप कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो आप उसे बोलेंगे इनएक्सप्लिकेबल। तो यहाँ पे इसका मतलब होने वाला है इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड। ये ऐसे याद रखेंगे हम। आज का फिफ्थ नंबर का हमारा वर्ड होगा मोरोज। आप मोरोज वर्ड को ऐसे रिलेट करिए कि आप यहाँ पे बोल रहे हैं मोर और मोरोज, रो, मोर रो रहा है। आप ऐसा रिलेट करिए, मोर रो, कोई मोर है वो रो रहा है, मतलब वो कैसा फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है, फीलिंग सैड। तो मोरोज मतलब फीलिंग सैड, एक मोर है वो रो रहा है तो वो फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है, और अपने साथी जो उसके दूसरे साथ के जो भी मोर वगैरह उनसे बात नहीं कर रहा है। तो मोरोज का मतलब सैड के साथ साथ ये भी हो जाएगा कि फीलिंग सैड एंड डोंट वॉन्ट टू टॉक टू समवन। ऐसे याद रखिएगा इसको। द नंबर सिक्स एंड द वर्ड इज वॉल्यूबल। वॉल्यूबल, और वॉल्यूबल का मतलब होता है टॉकिंग फ्लुएंटली। तो वॉल्यूबल को आप रिलेट करिए वॉल्यूम से, एंड वॉल्यूम इज समहाउ रिलेटेड टू टॉक। मतलब आप बात कर रहे हैं और कोई आपसे बोलेगा भाई थोड़ा तेज बोलो, आपकी वॉल्यूम बढ़ाओ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो वॉल्यूबल होना चाहिए आपको। और तेज बोलने के साथ साथ आप फ्लुएंटली भी बोले तो ज्यादा सही रहेगा। तो वॉल्यूबल मीन हो जाएगा यहाँ पे टॉकिंग फ्लुएंटली। वॉल्यूबल मीन्स टॉकिंग फ्लुएंटली। वॉल्यूबल रिलेटेड टू वॉल्यूम। वॉल्यूम
आप बात करने वाली वॉल्यूम से इसको फिर रिलेट करिए। आप बात भी कैसे करें, आप फ्लुएंटली बात करें और तेज बात करें, तो वॉल्यूबल मीन्स टॉकिंग फ्लुएंटली। आज का नंबर 7 पे हमारा वर्ड है एडुलेशन, एडुलेशन, और एडुलेशन को आप रिलेट करिए एडल्ट से, एडुलेशन को आप रिलेट करिए एडल्ट से। और दोस्तों आपको पता है जो एडल्ट लोग होते हैं ना, जो काफी एडल्ट लोग होते हैं, वो इजीली किसी को प्रेज नहीं करते। मतलब अगर उनको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको प्रेज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो एडुलेशन का मतलब होता है दोस्तों ग्रेट प्रेज फॉर समवन। आप किसी की बहुत तारीफ कर रहे हैं जो जरूरत नहीं है तारीफ करने की, फिर भी आप किसी को क्या कर रहे हैं, एडुलेट कर रहे हैं। तो इसको तो ऐसे याद रखिए कि जो एडल्ट लोग होते हैं वो इजीली एडुलेशन नहीं करते किसी का, इजीली एडुलेशन नहीं करते, मतलब इजीली किसी को प्रेज नहीं करते बहुत अच्छे तरीके से। तो एडुलेशन का मतलब है ग्रेटली प्रेज करना। नंबर 8 वॉग, और वॉग वर्ड आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत फेमस मैगजीन है, इसका नाम है वॉग मैगजीन। इस मैगजीन का नाम ही है दोस्तों वॉग मैगजीन, और ये वॉग मैगजीन में फैशन मॉडल्स जो होते हैं, फैशनेबल जो चीजें होती हैं, जो मॉडल्स वगैरह होते हैं, सेलिब्रिटीज जो होती हैं, उनकी पिक्चर हमेशा आती रहती है। तो वॉग मैगजीन से आप रिलेट करिए, और वॉग क्या एक मैगजीन है, वॉग समहाउ रिलेटेड टू फैशन, वॉग मैगजीन इज समहाउ रिलेटेड टू फैशनेबल थिंग्स, फैशन। तो यहाँ पे वॉग का मतलब ही हो जाएगा अ फैशन, अ वॉग मीन्स अ फैशन। और एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों कि जो फैशन होता है ना वो टेम्परेरी ही होता है, क्योंकि समय के साथ साथ फैशन भी चेंज होता रहता है। तो वॉग मीन्स अ फैशन दैट इज टेम्परेरी, दैट इज टेम्परेरी। आई होप वर्ड याद हो जाएगा, वॉक वॉक मैगजीन समहाउ रिलेटेड टू फैशन दैट इज टेम्पररी। 9th नंबर का हमारा वर्ड है रियुमिनेट, रियुमिनेट। तो इसको ऐसे याद रखिए कि आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो आप अपने घर आए, और आप अपने घर में कहाँ चले गए, आप अपने रूम में चले गए, और आप अपने रूम में जाके क्या कर रहे हैं, आप अपने रूम में जाने के बाद करेंगे रियुमिनेट, आप अपने रूम में बैठ के रूमिनेट कर रहे हैं, आप परेशान हैं, आप इन चीज के बारे में सोच रहे हैं, आप कुछ थिंक कर रहे हैं, आप अपने रूम में बंद हो गए और आप क्या कर रहे हैं, आप रूमिनेट कर रहे हैं। सो द मीनिंग ऑफ रूमिनेट विल बी टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग। आई होप ये वर्ड भी आपको अब क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा लास्ट वर्ड होने वाला है मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस। और दोस्तों मेटिक्यूलस वर्ड को याद करने से पहले हम इसकी एक ट्रिक जरा बना लेते हैं। तो मेटिक्यूलस वर्ड को आप ऐसे देखिए कि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों किसी से मिलने की, किसी से मीट करने की, या मेट करने की, मीट करने की, मीट, और आप उससे मिलने जा रहे हैं आईसीयू में। आप ऐसे देखिए इसको आईसीयू और MET मीट, आईसीयू। जब आप किसी को आईसीयू में मिलने जाते हैं, आप आईसीयू में मिलने जाते हैं, कोई बहुत बीमार है, तो आप जब उससे मिलने जाएंगे, और आईसीयू में अगर आप जाएंगे तो आप बहुत केयरफुल होंगे, वेरी केयरफुल, आप बहुत केयरफुल होकर ही आईसीयू में इंटर करेंगे, क्योंकि आईसीयू जो होता है वो बहुत ही क्रिटिकल जगह होती है किसी पेशेंट के लिए। तो आप बहुत केयरफुल वहां पे विजिट करेंगे उस पेशेंट के पास, और बहुत ये भी बोल सकते हैं आप, मेटिकुलस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वेरी केयरफुल, या फिर आप बोलेंगे कि शोइंग ग्रेट, और वी कैन से शोइंग ग्रेट, शोइंग ग्रेट अटेंशन। आईसीयू में जनरली हम बहुत अटेंशन देते हैं एक्चुअली अपने पेशेंट पे, से आप याद रखिए, शोइंग ग्रेट अटेंशन, वेरी केयरफुल। तो आईसीयू, मीटिंग इन आईसीयू, और आईसीयू इज एक्चुअली रिलेटेड टू बी वेरी केयरफुल, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू समवन, ऐसे आप याद रखिएगा। ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स, आई होप आप लोगों को याद हो गए होंगे। बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल ई अनंत को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले सारे वीडियोस टाइम पे देखते रहिए, और क्या करिए, अपनी वोकैबलरी को एनहेंस करते रहिए।